बड़ी खबर का जो रायगढ़ से मिल रही है, बीती रात निर्माणाधीन मकान में काम करते हुए दो लेबरों की मौत हो गई। हाईटेंशन वायर की चपेट में आने से ही मौत हुई है। भवन मालिक अनिल केड़िया और ठेकेदार मुकेश गोयल ने 112 को सूचना देकर बताया। स्थानीय लोगों का कहना था कि ठेकेदार और मकान मालिक ने मिलकर एक मजदूर की मौत की बात को छुपाया है, जिससे कि मृतक के परिवार में काफी रोष है। रायगढ़ कलेक्टर ने एसडीएम और थाना प्रभारी को टीम सहित मौके पर भेजा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भूपेंद्र सिंह चौहान जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, ये पूरा हादसा कैसे हुआ और जो मजदूर की मौत की बात छुपाने की बात कही जा रही है, वो क्या है मामला? जी, इसमें क्या है, भवन मालिक और ठेकेदार दोनों लेट नाइट काम करवा रहे थे जी। और हाई टेंशन तार उसके बिल्डिंग के ऊपर से गई थी और उसके बाद हादसा हो गया जिसमें दो मजदूर झुलस गए। जब 112 को उन्होंने सूचना दी तो जिनकी मौत हो गई थी उस बात को इन लोग छुपा दिए, सिर्फ जो इंजोर्ड था उसको बताए। उसके परिवार वाले उससे नाराज होकर आज पूरे घेर कर दिए थे, वहां पे बॉडी उठाने नहीं दे रहे थे। तो जिला प्रशासन की टीम, एसडीएम, पुलिस और नायब तहसीलदार मौके मुआयने में गए और उन्होंने एक मृतक थे जिनका सारंगढ़ के निवासी है जी। उसके 5 बच्चे हैं। उनका कहना यह था कि 2-2 लाख रुपए पर बच्चे के हिसाब से 10 लाख रुपए हमको मुआवजा दिया जाए, लेकिन जिला प्रशासन ने किसी प्रकार की घोषणा नहीं की। भूपेंद्र, हाईटेंशन लाइन को लेकर वैसे ही सरकार की एक गाइडलाइन है और ऊपर से हाईटेंशन लाइन कितनी खतरनाक साबित हो सकती है ये हर इंसान को पता है, तो फिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की गई? मालिक और ठेकेदार की गलती है जी। एक तो रात के बिना परमिशन के काम करवाया जा रहा था वहां से। चलिए भूपेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।